Hey guys, what's up? Welcome back to Gadding Cab. इस तरीके के ट्रेंडिंग रील्स बनाने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना ही पड़ेगा जिसका नाम है VN Video Editor। तो इस एप्लीकेशन में आपको इस तरीके का स्काई चेन स्थैटिक वीडियो में बनाकर सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी नॉर्मल क्लिप है, मैंने उसे थोड़ा सा कट और ट्रिम कर रखा है। तो यहाँ पर 3 सेकंड्स में वीडियो थोड़ी ज़्यादा बढ़े थे, लेकिन मैंने थोड़ा ट्रिम कर दिया 3 सेकंड की। आप भी थोड़ा ट्रिम कर देना। तो यहाँ स्टार्टिंग में आने वाला था, तो ये वीडियो कुछ मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी पार्क में जाकर। तो आपको भी कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेना जिसमें आपको स्काई दिखे। और यहाँ पर नीचे मैं ब्लैक बैकग्राउंड रखता हूँ, वाले वीडियो डिलीट करके मैं वीडियो लेयर में उसे ऐड करूँगा। तो वीडियो लेयर में ऐड करूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा, बाकी वैसे ऐड करूँगा तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा उसको ऐड करने से पहले। लेकिन मैं स्काई ऐड करूँगा, स्काई मैं ये स्काई जो है मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। और एक मैं जो स्टार्टिंग में जो गाने का लिरिक्स वाली वीडियो होती है ना, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना वो भी गूगल ड्राइव से। तो यहाँ पर स्काई की वीडियो है, तो सबसे पहले स्काई को हम ना यहाँ ऊपर के पार्ट्स में कुछ इस तरीके से रख लेना है, ऊपर के पार्ट ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से रख लेना, क्योंकि यहाँ पर इतना ही मेरा स्काई था मेरी वीडियो का। तो सन जो मेरे को लेफ्ट साइड में थोड़ा इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद अपनी वीडियो को यहाँ पर अपने एडिट करना, फिर उसके बाद वीडियो लेकर आना अपनी वीडियो लेयर पे जो कि हमने वीडियो ले ऐड कर रखी है, और उसका स्काई चेंज करेंगे। सबसे पहला मेरा काम होगा स्काई चेंज। जरूरी नहीं है आपको स्काई चेंज करना है तो, लेकिन आप अगर आपके स्काई में पहले से इतना अच्छा सा लाइट आ रही हो या फिर स्काई स्काई बहुत अच्छा पहले से ही है तो स्काई चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं स्काई इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्काई एकदम नॉर्मल सा है। तो उसके यहाँ पर इस तरीके से क्रोमा की पे जाऊँगा इफेक्ट पे, फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। तो देख सकते हो मैं इंटेंसिटी जैसी बढ़ा रहा हूँ, मेरे पैर ये जो रोड देख रहे हो, ये जो रोड है मतलब रोड ये चलने वाला जो भी इसे बोलते हैं, ये भी साथ में कट हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए, इसे ठीक करने के लिए जो हमारी वीडियो ले रहा है इसी को डुप्लीकेट करना है। उसके बाद डुप्लीकेट करके जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्रोमा की ऑफ कर देना है। जैसे यहाँ पर आया मैं, यहाँ नॉर्मल क्रोमा की ऑफ कर दिया। डन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मास्क का, तो यहाँ पर मास्क को सिलेक्ट करना है, लीनियर वाला सिलेक्ट करना है। और यहाँ तक आपको ऊपर तक सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक यहाँ पर मेरा स्काई नहीं हो। तो उसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कमाल ये होगा कि जो मेरा स्काई होगा वो देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो गया है। तो यहाँ पर चेंज हो गया। और नीचे को आपको फिल्टर लगा देना है, ये एस्थेटिक वन वाला, दोनों में फिल्टर लगा देना क्योंकि हमने दो वीडियो लेयर्स ली थी, दोनों में ये वाला फिल्टर लगा देना। तो इस तरीके से हमारा स्काई चेंज हो गया। अब इसको कुछ करना नहीं है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना सिंपली। और इसको एक्सपोर्ट करने के बाद इसमें करना है स्मूथ स्लो मोशन ऐड। तो स्मूथ स्लो मोशन ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना है एकदम स्मूथ स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए। तो स्मूथ स्लो मोशन वीडियो बनाने के लिए क्या करना है, तो इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो को क्लिप को ऐड करना है नोड वीडियो एडिटर में। तो नोड वीडियो एडिटर यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ। तो ये भी आपको डाउनलोड, मैं जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करूँगा इसका सबके नाम में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप मतलब नाम डाल दूंगा, वहाँ से सर्च करके आप जहाँ मर्जी जहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस ना कर पा रहा हूँ तो वहाँ डिस्क्रिप्शन से नाम देख लेना, जो भी मैं एप्लीकेशन यूज़ करूँ वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये वाले हमने क्लिप ऐड कर लिया है। तो स्टार्टिंग का पार्ट कुछ जो होगा वो फास्ट में होगा, मतलब नॉर्मल में होगा, फिर उसके बाद स्पीड में स्लो कर दूंगा। तो वो बहुत सिंपल, ये थोड़ा एप्लीकेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, स्किप मत करना कोई भी पार्ट को। तो यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट करना, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी टाइमलाइन के ऊपर, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। पहले यहाँ पर मेरे को टाइमलाइन, इसी के बाद मेरे को वीडियो को स्लो करना है। तो वीडियो पे सिलेक्ट करूँगा, तो ये यहाँ पर मैंने वीडियो को सिलेक्ट किया। फिर यहाँ पर नीचे टाइमलाइन को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ बगल एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर कैची का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना, तो ये दो वीडियोज़ हो जाएंगी। तो जो दूसरी वीडियो है यहाँ पर, इसको मेरे को स्लो मोशन करना है। तो स्लो मोशन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रेच का, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसे स्ट्रेच को जितना बढ़ाओगे 100% से अगर 1000% करोगे तो उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर मेरे को इसको 900% तक ले जाना है, तो मैं इसे 9 यहाँ पर लिख दूंगा। यहाँ पर 1 पे होगा इसकी स्पीड, तो 9 लिखूंगा, 900% यहाँ पर इसकी स्पीड हो गई है, यानी कि ये स्लो मोशन हो गया, इसकी वीडियो को स्ट्रेच कर दिया है, फैला दी गई है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पे जाना है, 3 लाइंस पे क्लिक करके टाइम इंटरपोलेशन पे ऑप्टिकल फ्लो को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्वालिटी को हाई कर देना और यूज़ GPU को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, जो हमारा स्लो मोशन है वो एकदम स्मूथ तरीके से होगा, एक भी मतलब स्क्रीन जो कि बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिकल फ्लोस में यूज़ हो जाएगा। फ्रेम ब्लेंडिंग भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट पे जाना, सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पर जो उसके बगल वीडियो के बगल सेटिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना, फिर एक्सपोर्ट का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। फिर ये इसी सेटिंग्स पे अपलोड एक्सपोर्ट कर लेना, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो भी सेटिंग्स रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे इस सेटिंग्स पे आप अपलोड करोगे मतलब एक्सपोर्ट करोगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मेन काम आता है अपनी वीडियो में, तो एक
एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रीक्यूल, तो उसमें उसी जो इंस्टाग्राम पे जितने भी बंदे वीडियोस अपलोड करते हैं वो सारे इस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। क्योंकि इस एप्लीकेशन में मैं दो फिल्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक पहला है इंडिकिड, जो यहाँ पर आपको सर्च करना है मिल जाएगा। इंडिकिड यहाँ पर आपको पहले वाला सर्च करना है, ये आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ से आप सेट कर सकते हो कितना आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ जितना मेरे को इतना चाहिए तो मैं इतना अप्लाई कर लूँगा, अगर आपको अपनी वीडियो के हिसाब से अपना ऐड कर लेना। फिर उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट बंदे यूज़ करते हैं सेटिंग पे, आपको सर्च करना पड़ेगा अगर आपको ना मिले तो, उसका नाम है स्टेलर। तो इसी से जो लाइट आती है स्काई से या फिर कहीं से भी लाइट आती है, तो यहीं से लाइट आती है। इसकी इंटेंसिटी बढ़ा कर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अपनी जो एस्थेटिक वीडियो वो स्काई की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से लाइट आ रही है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखना। यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ही मैंने ऐड कर दिया, लेकिन आप अच्छे से यूज़ करना इसे। फिर यहाँ पर आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना, यहाँ पर हमारा काम हो गया। उसके बाद दोबारा वीएन वीडियो एडिटर में आना है, लिरिक वीडियो को ऐड करना है, अपनी म्यूजिक को ऐड करना है और यहाँ पर अपनी ये वाली वीडियो को ऐड करना है और अपने रील को पूरा से एडिट करके एक्सपोर्ट कर लेना। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर साउंड को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना। बस यहाँ पर सिंपल इतना काम हो गया। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकल में कैसे करना है। वीडियो एडिटर में ऐड करना है, फिर उसके बाद ये जो साउंड है लिरिक वीडियो के साथ, ये जो लिरिक वीडियो है इसके आपको मिल जाएगी डाउनलोड लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डाउनलोड लिंक, जाके डाउनलोड कर लेना। ये मैंने खुद नहीं बनाया, मैंने खुद ही डाउनलोड किया था कहीं से, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड करना अपनी मेन वीडियो को और यहाँ पर म्यूजिक ऐड करना है और यहाँ पर आपको एक शेक इफेक्ट ऐड करना है अपनी वीडियो पे, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ कौन सा शेक इफेक्ट है। बहुत बंदे यूज़ करते हैं, मेरा पर्सनल फेवरेट है वीएन वीडियो एडिटर में। तो सबसे पहले इसे क्रॉप कर लूँगा क्योंकि वहाँ साइड में कुछ कॉर्नर्स कट रहे हैं, इस वजह से मैं इसे क्रॉप कर लूँगा थोड़ा सा साइड से। तो कट करने के बाद यहाँ पर मैंने ये काम हो गया, म्यूज़िक को ऐड कर लेते हैं अपने। तो ये वाला म्यूज़िक मेरे को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ये आर्केड इंटू मिलने मुझसे आई, तो ये वाला मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं गर्मी में बैठा हूँ, बहुत ज़्यादा पंखा ऑफ कर रहा है, पसीने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो वीडियो पूरी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हो कितना ओपी लग रहा है, बस यहाँ पर एक इफेक्ट की कमी है, देख सकते हो। तो डायरेक्ट वीडियो आ गई, तो ये डायरेक्ट वीडियो ना आए, यहाँ पर एक इफेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इफेक्ट वो ऐड कर देता हूँ, इफेक्ट पे जाना है यहाँ पर एफएक्स पे, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा बॉटम में। तो यहाँ पर देख ढूंढ लेते जल्दी से, तो यहाँ पर देख सकते हो एफएक्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको यूज़ करना है जूम आउट ये वाला आपको चूज़ करना है और यहाँ पर आपका तो देख सकते हो कितना अच्छा इफेक्ट आया, देख सकते हो बहुत ज़्यादा ओपी इफेक्ट आया। इसको ड्रैग करके स्टार्टिंग में ले आना, मैंने स्टार्टिंग में लाया नहीं। तो यहाँ पर आपकी परफेक्टली वीडियो एडिट हो चुकी है, इसे आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना साउंड सेलेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो गाइडिंग कैफ चैनल को सब्सक्राइब करके बाल वाले नोटिफिकेशन बेल को सेट टू ऑल कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाए कमेंट बॉक्स में जाकर बता देना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसे अमेजिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।